दोस्तों आखिर माता पार्वती ने क्यों दिया था गौ माता को श्राप? एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ समुद्र के किनारे भ्रमण करने के लिए गई थी। थोड़ी देर बाद दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि अचानक भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, अभी मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, आप यही हमारा इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। यह कहकर भोलेनाथ वहां से चले गए। अब माता पार्वती को वहां बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन भोलेनाथ आए नहीं। उस दिन माता पार्वती का तीज का भी व्रत था। माता पार्वती ने वही समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग बनाई तथा अगल बगल से पुष्प का इंतजाम किया और तीज का व्रत रखा तथा भोलेनाथ की पूजा की। भोलेनाथ वहां पर सूक्ष्म रूप में आकर ये सभी दृश्य देख रहे थे। सुबह माता पार्वती ने रेत से बने शिवलिंग तथा पुष्प को समुद्र में विसर्जित कर दिया। अगले दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, कल तीज का व्रत था, आपने कल मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, कल मैंने तीज का व्रत रखा था और आपकी भी पूजा की थी। भोलेनाथ ने कहा कि आपने कहाँ मेरी पूजा की और कैसे मैं मान लूं कि आपने मेरी पूजा की? वही समुद्र के किनारे एक गाय थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हो गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इनसे पूछ लीजिए। फिर उस गाय से भोलेनाथ ने पूछा कि क्या पार्वती ने तीज पर मेरी पूजा की थी? गाय ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देखा, आप मेरे से झूठ बोल रही हैं। इस बात से माता पार्वती उस गाय के ऊपर क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने उस गाय को श्राप दिया कि यद्यपि तेरा जन्म इस संसार में जन कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन तुमने सच को जानते हुए भी झूठ बोला है। अंततः मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इस झूठ को बोलने के कारण तुझे लोगों का जूठन ही खाने को मिलेगा, तुझे बढ़िया भोजन कभी नहीं मिलेगा। तब से लेकर आज तक गाय को लोगों का बचा कुचा जूठा खाना ही मिलता है।